आओ भाई फटाफट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए बच्चे, कहाँ रह गए तुम? जल्दी आओ, संख्या बढ़ाओ अपनी। आज जो है हम अपना वो जो सेशन है शॉर्ट नोट्स का, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट नोट का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़े से उसके लिए हल्के सी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर मैं आपको दो मिनट के बाद वो अपना जो है आज का सॉलिड शीट का जो शॉर्ट नोट्स का सेशन है वो स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, पहली बात तो शॉर्ट नोट्स ही होने चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, अपने एक पेज या दो पेज में निपट जाने चाहिए मैक्सिमम। कोई बड़ा चैप्टर है तो 3-4 पेज, इससे ज़्यादा नहीं, 4 पेज से ज़्यादा तो कोई होना ही नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 4 पेज भी उनके लिए बोल रहा हूँ जो चैप्टर बहुत बड़े हैं, मतलब जिनका कोई सीमा नहीं है, जैसे कि मतलब जो उसमें कितना भी करता वो नया ही है, कुछ भी आ सकता है उसमें ऐसा। चलिए तो फटाफट अपने दोस्तों को बुलाइए, फटाफट जल्दी से क्विकली अपने दोस्तों को बुलाइए। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा था कि शॉर्ट नोट्स जैसी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम जब होगा तब जैसे कि दिसंबर में नेट वालों का आएगा या नवंबर में उन्होंने जो भी डेट दी है उन्होंने, और आपका जो है जनवरी में आपका आएगा, सॉरी फरवरी में आपका आएगा गेट का और नेट जेम का, सॉरी गेट का और जेम का, तो क्या होगा? देखिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक टाइम पे 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4-5 यूनिट ही हैंडल कर रहे हैं, और जब एक टाइम पे आप कुछ गिनी चुनी ही यूनिट्स हैंडल करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर जैसे ही आप यूनिट्स को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि एग्जाम आना स्टार्ट होगा, टेस्ट सीरीज आनी स्टार्ट होगी, तो एक टेस्ट सीरीज में 5-5 टॉपिक भी आ सकते हैं। कोई छोटी टेस्ट सीरीज हुई तो कोई छोटा टेस्ट हुआ, तो अगर वो टेस्ट मेजर टाइप का हुआ कोई बड़ा तो उसमें पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक भी आ सकता है, या बहुत सारे 8-10 टॉपिक भी आ सकते हैं, 1/3 टॉपिक भी आ सकते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, या फुल टेस्ट में तो सारा सिलेबस आता ही है। एग्जाम में क्योंकि पूरा सिलेबस आता है तो पूरे सिलेबस में आपको एक क्विक रीजन चाहिए होता है, आप पढ़ बहुत चुके हो चुके उस टाइम पे, तो आपके दिमाग में सब कुछ फिट होगा, और उस फिट जो आपके दिमाग में हुआ है एग्जाम टाइम पे उसको आपको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। अदरवाइज वो छोटी छोटी जो आपकी एक तरीके से कहेंगे शॉर्ट मेमोरी में सेव होती है वो चीज़ें, शॉर्ट मेमोरी मतलब एक तरीके से कि इंस्टेंट मेमोरी होती है, एक बिल्कुल बहुत एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है बिल्कुल फ्रेश मेमोरी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आप सबको वॉइस सब कुछ सही है भाई, सब सही है, वॉइस सब सही है, सब बढ़िया है। अरे चलो कोई बात नहीं, वही सब बढ़िया है। चलिए भाई दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि एक होता है फ्रेश मेमोरी, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी जस्ट अभी कुछ चीज़ याद की और वो मुझे शाम तक याद रहेगी या मैक्सिमम कल तक याद रहेगी, परसों मैं उसको भूल जाऊंगा, उसको हम कहते हैं फ्रेश मेमोरी। और एक होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, कॉन्सेप्ट को आप जहां पे भी लगाएंगे आंसर आ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट तो आपका लॉन्ग टर्म का हो गया। ठीक है, एक बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए कि अब जरूरी तो है ना कि इतने बड़ी केमिस्ट्री में 39 अगर यूनिट है, 35-40 यूनिट है, तो उसमें हर एक बात हर एक वर्ड आपको हर एक फॉर्मूला आपको याद रहे, तो वो क्विक जो होता है ना एक फ्रेश मेमोरी में रखना वो बहुत जरूरी है। और फ्रेश मेमोरी में तभी रख पाएंगे जब आपके पास छोटा सा उसका एक रिवीजन का कुछ प्रोग्राम हुआ, एक छोटा सा उसका ऐसा आपके पास कुछ होगा इसको पढ़ते मुझे हाँ ये मैं स्किप कर गया था ये मुझे याद आ गया, उस छोटी सी चीज़ का वो छोटा सा सॉल्यूशन निकालने के लिए वो जो है वो एक शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंस आपको इसके समझ में आएगी? जब आपका एग्जाम बहुत जल्दी पास आ जाएगा। ठीक है, तो काफी सारे लोग अब कनेक्ट हो चुके हैं, मुझे अपना आज का सॉलिड शीट का शॉर्ट नोट्स जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, पर तुम्हारी जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि आप लोग पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता यार। चलिए खैर, अपने को क्या, आपको तो बस मेरे को तो इतना था कि आपको एटलीस्ट ये जो है सेशन को शॉर्ट नोट्स को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, आप साथ ही साथ बनाना स्टार्ट कीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए भाई दोस्तों शॉर्ट नोट की शुरुआत करते हैं, और शॉर्ट नोट्स में आज जो है सॉलिड शीट का हमारे पास एक शॉर्ट नोट है। अब कैसे बनाना है सॉलिड शीट, वैसे चैप्टर जो मैंने कराया अभी तक 13-15 लेक्चर हो गए। ठीक है, अब इस 13-15 लेक्चर को आप कैसे याद रखेंगे, अभी तो 2-3 लेक्चर जो भी है 4-5 लेक्चर और बचे हुए हैं, और मैं आगे कराता गया तो फिर अलग ही कहानी है फिर। ठीक है, तो वो शॉर्ट नोट्स क्या स्पेसिफिक होने चाहिए, कुछ कुछ क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, एक बात मैं हल्का सा बता दूं, आपको वही बातें लिखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात वो जो तुम्हें याद नहीं रह रहा है, दूसरी बात वो जैसे कि कोई सीक्वेंस है आपको याद ही नहीं हो रहा है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है पर वो सीक्वेंस को लिख लीजिए। तो कहने की बात ये कि दो इंपॉर्टेंट बातें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वही आएगा, और दूसरा जो आपको याद नहीं हो रहा है, जो एग्जाम्पल आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ऐसे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे जहां पे जाके आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये खेल है। ठीक है, जैसे कि रेडॉक्स का मैंने उस दिन का ओपन रिसर्च लैब में भी आखिरी एग्जांपल जो दिया था वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा केस आ गया तो ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलिए अब बात करते हैं सॉलिड शीट में। देखिए सॉलिड शीट में जब शुरुआत कर रहे थे तो सॉलिड शीट में हमने कहा था कि इनिशियली हमारी
अरे देखो, इसलिए हमने कवर से पहले बात की थी कि भाई सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस इन सबको कोई मतलब नहीं बनता, ये अपने बेसिक नॉलेज के लिए लेना था, ले चुके हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्टली जो पॉइंट आएगा वो वॉइड्स पे आएगा कि वॉइड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वॉइड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप जो भी पेज आपके पास हो उसको बीच में से ऐसे लाइन मार लीजिए, ठीक है। स्पेसिफिक आएगा कि एक पेज में आप काफी सारा कंटेंट लिख लेंगे, तो बात आएगी वॉइड्स की। पहला पॉइंट मेरे पास वॉइड आया तो तुम लिखोगे वॉइड्स जो होते हैं वो पांच टाइप के मेरे पास प्रेजेंट है। एक ट्राइंगुलर वॉइड है, ट्राइंगुलर वॉइड है, एक टेट्रा, एक सॉरी मेरे पास स्क्वायर प्लेनर वॉइड है। अगर याद नहीं हो रहा तो, अगर ये चीज याद हो रही है वॉइड्स की आपको बार बार याद है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जो चीज आपको याद नहीं हो रहा उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा अगर इजी है तो स्क्वायर प्लेनर है मेरे पास, इसको हम कैटेगराइज कर लेंगे। पहले मेरे पास 2D है और ये मेरे पास 3D है। बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखना है, ये मेरे पास 2D में मेरे पास ट्राइंगुलर आ चुका है और मेरे पास स्क्वायर प्लेनर आ चुका है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर आ चुका है। 3D में मेरे पास तीन टाइप की है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, और इसका क्या है, एक मेरे पास क्यूबिकल है। इसकी शेप आप बनाना जानते ही होंगे, अगर नहीं याद हो रही फिर भी आप बना लेना, जैसे कि मैं बना के दिखा रहा हूँ। बस आपको ये वैसा बनाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही घटिया चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, घटिया तो नहीं कहूंगा, मतलब बहुत ही सिंपल चीज है कि मेरे पास ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। इन सबको बनाने ही लग गए तो टाइम वेस्ट होता ही रहेगा, तो बढ़िया है कि आप इसको ना ही बनाए तो अच्छा है। फिर भी अगर नहीं याद हो रहा तो बना लीजिए कि कैसे कैसे होता है। छोटे छोटे गोले बना लीजिए, एक ऊपर की तरफ और एक डॉटेड नीचे की तरफ, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ऑक्टेटल में दो तरीके से हम बनाते हैं, याद कीजिए। ऑक्टेटल में दूसरा क्या होता है कि मेरे पास एक होता है एक उल्टी ट्राइंगल, एक होती है सीधी ट्राइंगल, इसके ऊपर मैं प्लेस कर दो, इस तरीके से भी बन जाता है। तो ये था आपका ऑक्टेडल वर्ड। क्यूबिकल वर्ड की बात करें तो चार एटम के जस्ट ऊपर चार एटम रख दीजिए, ये आपका क्यूबिकल वर्ड होगा, क्यूबिकल वर्ड होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो, इसका तीन, इसका चार। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वर्ड क्या होता है, जितने एटम मिलके एक वर्ड को बना रहे हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके भी चार, इसके छह, छह और आठ, ये हो गया वर्ड का खेला खत्म। इसके बाद तुरंत आ जाइए अगला केस आपके पास जो है लाइन मार्क यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड से नेक्स्ट तुमने क्या पढ़ा, वर्ड से नेक्स्ट तुमने लैटिस की यूनिट डेफिनेशन पढ़ी, क्रिस्टल देखा, यूनिट सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक बात ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट्स बिना रिवाइज करे ना बनाना। जिस बच्चे ने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, एक बात ध्यान रखना। पर अभी तक सॉलिड शेट तो आपने BSc से लेकर अभी तक इतनी बार पढ़ लिया हुआ कि आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ भी लेता हूं, तो बहुत स्पेसिफिक टाइम लेके चलो, ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट आते कि हमने लैटिस, यूनिट सेल, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी थी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमने अरेंजमेंट के ऊपर। अरेंजमेंट हमने कहा था कि वन डायमेंशन में मेरे पास एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है और इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाकर बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस अरेंजमेंट में, तो आंसर आएगा दो। फिर आपसे पूछा जाएगा 1D से जब हम 2D में जाते हैं तो मेरे पास दो टाइप की अरेंजमेंट आती है, एक का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल में, ये भी टू डायमेंशनल में है, याद रखिए। इनको बनाने की या ना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपका डिपेंड करता है, क्योंकि इनको बनाने लगे तो आपका फिर नोट्स तो काफी लंबा बन जाएंगे। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं कि एटम कहां कहां पे है, तो वो बच्चा यहां पे बना ले, अदरवाइज इसको ना बनाए यहां पे, बल्कि क्या बनाए, आने वाले क्वेश्चंस बनाए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पहला क्वेश्चन आपका यहां पे आएगा, 78% होती है पैकिंग एफिशिएंसी, क्या होती है 78% होती है, 78.5 कर सकते हैं यहां पे। इसकी कितनी होती है, 90.6% होती है एफिशिएंसी, परसेंटेज टर्म में कह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आया था चार, याद कीजिए, यहाँ पे आया था छह। तीसरा टाइप ऑफ वर्ड यहाँ पे होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है क्योंकि 2D है, और यहाँ पे ट्राइंगुलर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बातें जब आप कर चुके हो तो इससे आगे की बातें यहाँ पे लेके आ जाइए, इससे आगे की बातें। ये मेरे पास आ चुका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल, दो मेरे पास ये कहानी आई थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल। अब इससे आगे की बातें यहां पे करते हैं, ये ध्यान देखिए, रिवाइज कर रहे हैं बस छोटा छोटा, सिंपली सिंपली जो जो इंपॉर्टेंट बातें वही लिख रहे हैं। क्वेश्चन यही आएंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन यही आएगा, ध्यान रखना। ये नहीं है कि सारी चीजें लिखनी जरूरी है, जो चीजें लिखनी जरूरी है वही लिखे, इसके अलावा कुछ ना लिखे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें 2D में, तो हमने कहा कि फर्दर जब 3D में जाते हैं तो दो टाइप के अरेंजमेंट जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक SCC यूनिट सेल जनरेट होगी, यहां पे एक BCC होगी, इतना ही लिखें। अगर आपको AA AB ये सब भी लिखना है तो लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप मेमोराइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB AB पैकिंग होती है, तो आपको पता है HCP 3D बनता है, 3D बनता है HCP आपका। अगर AB AB पैकिंग है, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करना, अगर यहाँ पे नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे FCC में, क्योंकि ये अक्सर यहाँ पे पूछा जाता है कि AB AB और ABC ABC
की वजह से कौन कौन से बनते हैं, HCCP और FCC बनते हैं। यहाँ पे AA टाइप होता है, आप जानते हैं, यहाँ पे AB टाइप होता है, ये आप ऑलरेडी ही जानते हैं। फिर इनके 6-6 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे, वो 6-6 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। 6 पॉइंट कौन से थे, HCC की Z वैल्यू हमें पता है इसकी 1 होती है, इसकी Z वैल्यू 2 होती है, Z वैल्यू 6 होती है, Z वैल्यू यहाँ पे 4 होती है। दूसरा इसका ए यहाँ पे सॉरी पोजिशन था, पहला पॉइंट पोजिशन था भाई, कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप कुछ लिख दीजिए, पहला पॉइंट पोजिशन लिखिए या कुछ लिखिए, ठीक है कोई बात नहीं, फिर आप लिख देते पोजिशन। पोजिशन कहाँ कहाँ होते हैं, 8 कोने पे होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, एक बॉडी सेंटर पे होता है, 8 कोन, इसके देखो इसके 12 कोने पे होते हैं, एक अपर फेस सेंटर पे होता है, एक लोअर फेस सेंटर पे होता है, और 3 कंप्लीटली नियरली इक्वल टू कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। FCC में 8 कोने पे होते हैं और 6 फेस सेंटर पे होते हैं। ये तो हो गई पोजिशन। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। जेड वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 6, इसकी 4 ऑलरेडी याद है हमें। तीसरा पॉइंट, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैं पहले कह रहा हूं AR का रिलेशन के लिए मैंने कहा था कि SCC के अंदर AR के रिलेशन की जब-जब बातें हम करेंगे तो ध्यान रखना यहां पे एटम्स एज के अलोंग टच करते हैं, एज के अलोंग ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर टच करते हैं तो एक एज पे 2 एटम आएंगे और A=2R का रिलेशन आपका अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। BCC के अंदर अलोंग बॉडी डायगोनल टच करते हैं, अलोंग बॉडी डायगोनल टच करेंगे तो बॉडी डायगोनल √3 के बराबर होता है, इसके ऊपर 4R आएंगे, ये इक्वल आपकी इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन निकालनी थी, एक तो आपको जब हेक्सागन की साइड देखोगे तो हेक्सागन की साइड पे आपको पता है कि 2 एटम आते हैं, यहाँ पे हर एक पे कोने पे 2 एटम आएंगे, तो यहाँ से इस साइड को ए मानोगे तो A=2R, तो ये वाला हो गया। साइड यहाँ पे हाइट का रिलेशन भी चाहिए हो तो हाइट का रिलेशन याद रखना 4√2/3R, ये आप याद रखें या निकालना सीख चुके हैं, निकालते रहे, बेटर है कि याद रख ले क्योंकि निकालना आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो H की आपने यहाँ पे बात कर ली है। सिमिलरली FCC में हम बात करते हैं, तो हमने कहा था कि यहाँ पे फेस डायगोनल के अलोंग एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, AR का रिलेशन वहीं से निकाला जाता है जहां पे एटम दूसरे के लोग टच करते हैं। तो फेस डायगोनल के लोग हमने बात की यहाँ पे, तो फेस डायगोनल पे आता है √2A जिसपे 4R प्रेजेंट होंगे, आ गया आपका आगे की कहानी। चलिए अभी 3 पॉइंट हो चुके, चौथा पॉइंट था पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली 52.4% आएगी, इसकी 68% आई थी, इसकी 74% आई थी, क्या रीजन था इनके पीछे सेम आने का, वो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुका हूं, वो रीजन यहाँ पे लिखने के नहीं होते, थ्योरेटिकल रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस इट इज एन एक्सेप्शनल, अगर कोई चीज एक्सेप्शनल नहीं है तो आप उसको ना लिखे थ्योरेटिकल वे में, बाकी आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कीवर्ड की बहुत की पॉइंट्स लिखिए जिससे आपको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ यस ये है इसका आंसर, ये है इसकी चीजें। चलिए पांचवा पॉइंट की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम कोने वाला 6 कोने वाले एटम को टच करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे एटम का 6 होता है, एक बॉडी सेंटर वाला 8 को टच करता है, 8 होगा, HCP में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था 12 आया था, और याद रखना 12 में कमने की भी कहा था 6 सेम लेयर में होते हैं, 3 अबव द लेयर होते हैं, 3 बिलो द लेयर होते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सारी पिक्चर को एकदम से क्लियर करती जाएगी कि पहली लेयर में 6 थे, हेक्सागन में बीच में था, हेक्सागन के चारों 6 के 6 कोने उसको टच कर रहे थे, 3 एक ऊपर ट्रायंगल बैठे होते, 3 नीचे ट्रायंगल बैठे होते, हेक्सागन क्लोज पैकिंग में तीनों ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल BB या AA यानी सेम होते थे, पर जैसे ही FCC में जाएंगे तो वो अलग अलग होना स्टार्ट होते थे। तो जब 12 तो आएगा 6 सेम लेयर और 3 अबव द लेयर और 3 बिलो द लेयर आएगा, पर ये 3 अबव द लेयर और 3 बिलो द लेयर वाले जो एटम्स है वो सेम ट्रायंगल शेप के नहीं है, एक अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से टिल्टेड है तो दूसरी उसके अपोजिट होगी, जो ये अपोजिट वाली दो बता रहा हूं। सिमिलरली यहां पे एक तरीका और था कि 4 सेम लेयर में होते हैं, 4 बिलो द लेयर होते हैं, ये क्यूब के रिस्पेक्टिव में था और 4 अबव द लेयर होगा, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है। छठा पॉइंट ये था टाइप ऑफ वर्ड की जब हम बात कर रहे थे, तो SCC में टाइप ऑफ वर्ड क्यूबिकल वर्ड होता है, क्यूबिकल वर्ड होगा, यहाँ पे आइदर वर्ड इज नॉट डिफाइंड या फिर हम कहेंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टेटल प्रेजेंट होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टेटल लगेगा, डिस्टोर्टेड टेट्रा भी प्रेजेंट होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टा ही हम काउंट करते जान लिया यहाँ पे, ठीक है। HCP में आपके ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल दोनों प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे भी आपके दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ये आपकी ओवरऑल एक पेज पे कम से कम आई थिंक 6 क्लास का मटेरियल आ चुका है, एक पेज पे 6 क्लास का मटेरियल, ये होते हैं शॉर्ट नोट्स कंसाइज फॉर्म में, आपने इतने सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया है, सारी चीज पिक्चर आपको क्लियर है, यही से क्वेश्चन आएगा अगर पहले 6 लेक्चर से क्वेश्चन आया तो। एक ये फोन में आ रही है, ऐसा है क्या, वीडियोस की आवाज नहीं, हर एक वीडियोस की आवाज नहीं, तान्या वो स्टार्टिंग के वीडियोस की आवाज है, इस वाले की मैं पूछ लेता हूँ, एक ईयरफोन में आ रही है क्या, ये वाली वीडियो की आवाज एक ईयरफोन में आ रही है, ये वाली की, तो उसको चेंज कर दो।
एक सेकंड मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ आप। ओके तो अब आपको आवाज आएगी बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया। चलिए भाई दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। ये था अपना सोलर शेड के पहले 6 लेक्चर का काम। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सामने की प्लीज आवाज आ रही है ना, सब मुझे बता दे फटाफट, ठीक है। फिर से लाइन मार दीजिए। आपको अगर कंसाइज वे में करना है, जितना छोटा रखेंगे उतना जल्दी याद होगा, इतने से में ही आप दो लाइन भी मार सकते हैं। चलिए हो गया ठीक, यस। चलिए आइए प्लीज। तो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमने इन सारे अरेंजमेंट से आगे क्या किया था, इन सारे अरेंजमेंट से आगे हमने कहा था हमें आयनिक क्रिस्टल करना, और आयनिक क्रिस्टल करने से पहले हमें रेडियस रेशो पढ़ना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट आपने पास आया था रेडियस रेशो का, और रेडियस रेशो का सारा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली आपने समझ लिया था। उसमें कुछ ऐसा नहीं है लिखने का, उसमें जो है वो लिखने का वो सिर्फ एक टेबल है, और वही टेबल आपको समझनी चाहिए। वो रेंज वाली टेबल आपकी है, अगर 0.155 से लेकर वहां पे अगर मैं जीरो से लेकर स्टार्ट करता हूं तो जीरो से लेकर अगर आर अपॉन में आर, यहाँ पे ध्यान रखना रेडियस रेशो क्या होता है। रेडियस रेशो होता है स्मॉल आर का रेडियस, स्मॉल रेडियस स्मॉल आयन का रेडियस अपॉन में लार्जर आयन का रेडियस। फिर इसको हम कहते हैं जनरली एक से छोटा होता है, पर हमेशा एक से छोटा नहीं होता, एक से बड़े भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगर आप कोऑर्डिनेशन की तरफ जाते हैं तो। ध्यान रखना तो अगर ये जीरो से लेकर अगर 0.155 के बीच में आता था, हमें हमने कहा था लीनियर वॉइड होगा। हालांकि यादों को तो लीनियर वॉइड पता ही नहीं कहाँ होता है, पर मैं इसको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जानने के लिए देखिए मेरी क्लास रेडियस रेशियो की यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जो बच्चे पहली बार आए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं इतना फास्ट फास्ट कैसे करा रहा हूँ, भाई फास्ट नहीं करा रहा। तुम लोग अगर ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो तभी शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा है, अदरवाइज बनाने का फायदा नहीं है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है इसका। सिमिलरली अगर मैं 0.155 से लेकर रेडियस रेशियो की बात करता हूँ आर अपॉन में आर, 0.225 के बीच में आ जाए तो हम कहेंगे ट्राई एंगुलर वॉइड होगा। अगर 0.225 से लेकर आर अपॉन में आर की वैल्यू 0.414 के बीच में आते हैं तो टेट्रावॉइड होगा। 0.414 से लेकर अगर आर अपॉन में आर की वैल्यू 0.732 के केस में आते हैं तो यहाँ पे दो वॉइड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्क्वायर प्लेनर और एक होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। 0.732 का केस लेके अगर मैं आर अपॉन में आर की वैल्यू पॉइंट या वन से कम या वन के आसपास ले लेता हूं तो कोरस्पॉन्डिंग क्यूबिकल वॉइड होगा। इन सब का आप कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हो, 3, 4, 4, 6 और 8, ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोरस्पॉन्डिंग वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर है, ध्यान रखना वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिर इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है एग्जैक्टली फिट कहां होगा। एग्जैक्टली फिट जो है वो इन वैल्यूज में होगा, लोअर वैल्यूज में होगा, मिनिमम वैल्यूज में एग्जैक्टली फिट होता है। और स्टेबल कहाँ होता है, स्टेबल जो होता है वो अगर बोले कि कहाँ जाना पसंद करेगा तो जहाँ पे स्टेबल होगा वहां जाना पसंद करेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग फिट होना पसंद करेगा। यहाँ पे रिपल्शन सबसे कम होता है, यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम होता है, पर यहाँ पे एग्जैक्टली फिट होता है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से रेडियस रेशियो में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये था रेडियस रेशियो। देखिए तीन क्लास दो क्लास में हमने रेडियस रेशियो पढ़ा था, पर रेडियस रेशियो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट में चुटकी में निपटा दिया है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो इतना ही काफी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। हाँ यहाँ पे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पूछेगा कि दो आयन थे ए और बी, बी आयन जो है वो ए आयन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ है, तो बताइए अगर आर प्लस कितना है तो आर माइनस कितना होगा अगर साइड गिवन है उस लैटिस की। तो मतलब ए आर प्लस आर माइनस के रिलेशन भी आपको निकालने पड़ सकते हैं, पर उनका कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उनका कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू स्पेसिफाई, इसको मैं स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर कर देता हूं, नो नीड टू स्पेसिफाई इसको एक तरीके से रिमेंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये आप अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक जो अगर ए है और बी है तो ये बी जो है वो ए के ऑक्टेडल वॉइड में बना रही है, ऑक्टेडल वॉइड बना रहा है और बी इस वॉइड में जाके बैठा हुआ है, तो ऑक्टेडल वॉइड आपको पता है एफसीसी में कहाँ बनता है, एच के इस पॉइंट पे बनता है, एच सेंटर पे बनता है या बॉडी सेंटर पे बनता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया ये ऑक्टेडल वॉइड बना रहा है तो एफसीसी बना सकता है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग या कुछ भी बना सकता है, मेरे को मतलब क्यूब से मतलब है, अगर क्यूब एक गिवन है तो दो ए एटम यहाँ पे होंगे, बी एटम यहाँ पे होगा, तो ये पूरी ए साइड जो हो जाएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रिलेशन निकाल देंगे आर प्लस और आर रिलेशन आर माइनस का। तो ये चीजें जो है ये रिलेशन आप याद ना रखें, इनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इमेजिन करके निकाले, सारी चीजें याद करने की नहीं होती है भाई।
चलिए ये था रेडिस रेशियो। अब बात आती है रेडिस रेशियो खत्म, तो अपना आयनिक क्रिस्टल स्टार्ट हो गया। 10 लेक्चर का काम 1.5 स्लाइड में कर चुके हैं। कितने स्लाइड में? 1.5 स्लाइड में। ये देखिए 1 स्लाइड 1.5 स्लाइड, ठीक है। 10 लेक्चर का काम आपका हो चुका है, इतना ही कंसाइज आपको करना पड़ेगा, नेसेसरी चीजें करनी पड़ेगी। चलिए तो नो नीड टू मग अप। अच्छा ये मग अप वर्ड होता है क्या? धन्यवाद शताब्दी समझाने बताने के लिए। चलिए अपना तो रेडिएशन खत्म हो गया भाई। चलिए बात आती है आयोनिक क्रिस्टल की। अब आयोनिक क्रिस्टल में क्या बात है याद करिए। आयोनिक क्रिस्टल में हमें हर एक क्रिस्टल की कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन चीजें लिखनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें भी आप पॉइंट्स बना लीजिए, ये लीजिए, इसमें भी मैं यहाँ पे इसको अगर साफ करता हूँ, इस यहाँ पे तुम इसका आइडेंटिफिकेशन यहीं पे लिख दो। तो यहाँ पे तुम बना लो NaCl की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखने लूंगा मैं, ऐसे पॉइंट बना लो। इसकी सीजियम क्लोराइड की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लूंगा मैं। तीसरी यहाँ पे इतने में ही तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। CaF2 की यहाँ आ जाएगी, Na2O की यहाँ आ जाएगी, ये लीजिए आपकी, ये आपका पांचवा ZnS की यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डायमंड की लिख दीजिए, छठा पॉइंट यहाँ पे डायमंड लिख दीजिए, या ZnS की दूसरे वाली स्ट्रक्चर लिख दीजिए, क्योंकि ZnS की दो स्ट्रक्चर होती है। ZnS में दो स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए एक जिंक वुडजाइट होती है, जिंक वुडजाइट होती है, ठीक है, और एक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होती है, ये लिख दीजिए यहाँ पे। आइए इनकी स्पेसिफिक क्वालिटीज लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्या क्या क्वालिटीज है। कोई भी आयनिक क्रिस्टल है हमें पता है वहां दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक कि आयंस की पोजीशन क्या है, दूसरा उन आयंस के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो क्या है। चलिए आगे देखिए प्लीज। अगर मैं NaCl की बात कर रहा था यहाँ पे, तो NaCl में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या केस होगा। यहाँ पे हमने कहा था कि पोजीशन की बात करेंगे तो अक्सर हम कहते हैं कि क्लोराइड जो है वो FCC बनाता है। एक जनरली जो आज तक हम पढ़ते आए हैं पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद आपके उसके क्रॉस पॉइंट तो निकालना सिखा ही चुका हूं। FCC बनाता है क्लोराइड, Na पॉजिटिव उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा होता है। ये कैसे निकाला वो आप सारा काम यहां मत लिखिए कि क्लोराइड अगर FCC बैठा तो उसके नंबर 4 होंगे, तो सोडियम 1 का तो क्लोराइड भी 4 होंगे, क्लोराइड 1 का तो सोडियम भी 4 होंगे, इसलिए मैं उस वॉइड में भेजूंगा सोडियम को जो नंबर में 4 होंगे। ऐसी बातें वो वहां के लिए मेन नोट्स के लिए है। अब मेन नोट्स को यहां पे छापना स्टार्ट कर देंगे शॉर्ट नोट्स में तो क्या काम है भाई। तो Cl नेगेटिव, FCC और Na पॉजिटिव ऑक्टेटल वॉइड, ये हमें पता है कि यहाँ पे ये बातें आपको इतना ही पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे इसकी पोजीशन, सीजियम में हम कहेंगे क्लोराइड बनाता है SCC, BCC नहीं बनाता, BCC में बड़ा बड़ा काटा मार लेना यहाँ पे ताकि आपको याद आ जाए कि BCC नहीं होता। सिमिलरली हम सीजियम कहते हैं कि इसके क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है, क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है। इसकी बात करेंगे CF2 की, जहां पे हम कहेंगे कैल्शियम +2 FCC बनाता है, और F नेगेटिव जो होता है उसके टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, पर उसका नाम पर यहाँ पे हम कहेंगे O2 नेगेटिव जो है वो FCC बनाएगा, Na+ जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। इन दोनों केस में क्या थी पोजिशन की बात, यहाँ पे हम कहेंगे जिंक वुडजाइट और जिंक ब्लेंड। वुडजाइट जो होती है वो क्यूबिकल होता है, सॉरी वुडजाइट जो होता है वो HCP का होता है। ये HCP का या क्रिस्टलाइन नेचर में HCP के क्रिस्ट में होगा, मतलब क्रिस्टल सिस्टम में होगा, और ये जिंक ब्लेंड जो है वो यहाँ पे CCP या फिर हम कहेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में होगा। जिंक ब्लेंड की बात करेंगे तो उल्टा लिखते हैं बाद में, चलो एक ही बात है। तो जिंक ब्लेंड जब HCP में होगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मेरा S2 नेगेटिव है वो HCP बना रहा होगा, Zn+2 जो है वो आपका इसके ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में जाके बैठता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे S2 नेगेटिव जो है वो FCC बना रहा होगा, और Zn+2 जो है वो इसके ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में जाके बैठा होता है। ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो बताना। बीच की जो बातें हैं कि ये इसकी स्टोशियोमेट्री क्या होगी, फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट तो आप जानते ही हैं कि Z = फॉर्मूला यूनिट के बराबर ही होता है। ये आप एक बात लिख लीजिए यहाँ पे छोटी सी, आप ऑलरेडी जानते हैं किसी का सिस्टम का अगर Z पता लग गया उसका फॉर्मूला यूनिट उतना ही होता है। दूसरी बात, फॉर्मूला यूनिट कैसे निकाला या हमने स्टोशियोमेट्री कैसे निकाली, हमने एक बात कही थी कि एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस प्रेजेंट होंगे वही उसकी स्टोशियोमेट्री होगी या स्टोइकोमेट्री है, जो भी तुम कहना चाहो वही होगी। एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ कैटायन और जितने नंबर ऑफ एनायंस होते हैं वही उसकी स्टोइकोमेट्री, स्टोशियोमेट्री जो भी आप कहेंगे वही होगी। चलिए चलिए प्लीज। तो NaCl, सीजियम क्लोराइड, CF2, इन सब की बात अभी लिख रही है। अपने आगे जो चलना है वो चलना है किसके लिए, वो चलना है कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो के लिए। जब कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो निकाला था तो वॉइड कौन सा है, ऑक्टा, ऑक्टा में कौन प्रेजेंट है, सोडियम, मतलब सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमने कहा NaCl में चार्ज रेशो कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो चार्ज रेशो क्या होगा, 1:1 होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज रेशो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो,
तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले एक का पता होना चाहिए, 6:6 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सीजियम क्लोराइड में भी सेम तरीका, सीजियम क्लोराइड में हम कहेंगे सीजियम क्लोराइड में अगर मेरे पास प्रेजेंट है सीजियम और क्लोराइड तो प्लस वन, या मतलब प्लस वन कह लो या वन कह दो, बात एक ही है, रेशो तो सेम ही रहेगा, 1:1 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो निकालने के लिए इनमें से एक का पता होना चाहिए, तो वो किसका निकालेंगे, वो निकालेंगे हम जो भी वर्ड रिप्रेजेंट है सीजियम, यहाँ पे क्यूबिकल वर्ड रिप्रेजेंट है, तो जो क्यूबिकल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही सीजियम का होगा। क्यूबिकल वर्ड का यहाँ पे 8 होता है, तो कोरस्पोंडिंग मेरे पास क्लोराइड का भी 1:1 के कोरस्पोंडिंग 8 हो जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, लाइक वाइक ठोकते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, और एक जबरदस्त न्यूज दे रहा हूँ, वेस्टर का गेट स्पेशल सेशन आने वाला है। जो बच्चे अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैम में है, कहीं पे भी है, क्योंकि जैम वालों अल्टीमेटली तुम्हें भी जाके गेट देना पड़ेगा। तो आज अभी रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी SDD जो प्रोग्राम होता है उसमें सुबह सुबह दे चुके हैं, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेस्टर का जो स्पेशल सेशन आने वाला था वो स्पेशल सेशन आज के शाम 8 बजे होगा। तो बेफिक्र होकर आज शाम को 8 बजे आना और गेट की स्ट्रेटेजी को अभी जान लेना कि जैम वाले बच्चे भी, क्योंकि अब BSc वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं, तो BSc वाले बच्चे भी जैम, जो जैम दे रहे हो BSc वाला ही है, तो आप जैम भी दे सकते हैं, गेट भी दे सकते हैं, तो आप BSc वाले बच्चे भी कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी आप आ जाना, ठीक है, आइए प्लीज। ठीक है, चलिए भाई, ड्यू ने डेट तो निकाल दिया पर पता नहीं, उसका भरोसा नहीं है, मुझे लगता है दिल्ली तो क्वारंटाइन है, पूरा रेड जोन है, उसमें कुछ नहीं होगा भाई, हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो रूल्स के अकॉर्डिंग अगेंस्ट जाके करा दे एंट्रेंस, खेल जाए भविष्य के साथ, तो भाई पता नहीं, कुछ नहीं कर सकते फिर, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। आगे चलेंगे, फालतू की बात नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। CaF2 में भी सेम कहानी होगी, हम यहाँ पे बात करेंगे चार्ज रेशो की, तो CaF2 में ये +2 है, ये -1 है, तो 2:1 मेरे पास चार्ज रेशो आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो निकालेंगे, एफ नेगेटिव टेट्रा बैठा तो एफ नेगेटिव का 4 हो जाएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग 8 हो जाएगा, कहानी खत्म। सिमिलरली Na2O की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये +1 में है, ये -2 में है, 1:2 चार्ज हो जाएगा। सोडियम यहाँ पे टेट्रा बैठा तो सोडियम का 4 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये कहानी आपको समझा चुका हूँ। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इन दोनों की ZnS वगैरह की भी, तो ZnS हमने कहा था कि टेट्रा में जा रहा है Zn पॉजिटिव, टेट्रा में जा रहा है Zn पॉजिटिव, और दोनों में 1:1 का रेशो है, टेट्रा में Zn जा रहा है तो Zn का हो जाएगा 4 टेट्रा के कोरस्पॉन्डिंग, और रेशो 1:1 का तो इसका भी 4:4 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 4:4 ही आएगा, क्योंकि वॉइड तो टेट्रा ही है, तो रेशो भी इसका निकाल लिया। बट एक बात ध्यान रखना, BHU के एंट्रेंस 28 तारीख को बोला अगस्त में वैसे तो उन्होंने, पर कोई भरोसा नहीं है फिर से भाई कहें तो, वैसे UP वालों ने BEd का एग्जाम करा दिया तो भाई और तो कुछ भी करा सकता है, पर दिक्कत ये है कि वो एग्जाम जो है स्टेट एग्जाम था BEd का जो था, ये एग्जाम जो है वो एक सेंट्रल एग्जाम है, सेंट्रल एग्जाम मतलब सब जगह होगा, और सब जगह में तो दिल्ली भी आता है, और दिल्ली में नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा काम, तो मतलब दिल्ली सेंटर चूज करना पड़ेगा, और दिल्ली सेंटर करना पड़ेगा तो वो दिल्ली में अलाउ तभी होगा जब वहाँ पे रेड जोन नहीं होगा, और दिल्ली आप जानते हैं कि टॉप पे चल रहा है आजकल, टॉप की 2-3 के टक्कर में चलता है, तो दिल्ली 2-3 के टक्कर में चलता है, तो डेली के यहाँ पे पता नहीं कितने केसेस आते हैं, तो देर मस्ट बी सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू मी, बट हमें वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दी जो भी डेट है उसके लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये डेट्स आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप प्रिपरेशन करते रहें, तो ये है 4:4 का केस। तो ओवरऑल आपको सारी कहानी समझ में आ चुकी है, इसके बीच की कहानी जो भी है कैसे आया कैसे नहीं आया या इनकी रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगी, तो रिवर्स स्टेटमेंट निकालने के लिए पकड़िए इस कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो को, यहीं से निकालना सिखाया था मैंने, याद कीजिए यही कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो था जहां से मैंने निकालना सिखाया था आपको, तो इससे आप कोई भी देखिए, दोनों में 6-6 है, दोनों एक दूसरे के ऑक्टेटर वॉइड में, दोनों एक दूसरे के FCC में बने प्रेजेंट होंगे, 8-8 है दोनों एक दूसरे के क्यूबिकल वॉइड में, फटाफट देखते पता लग जाएगा दोनों दूसरे क्यूबिकल वर्ड में, क्यूबिकल वर्ड SSC में होता है तो दोनों SSC बना रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे 8 यहाँ पे 4 टेट्रा मतलब वो प्रेजेंट होगा FCC में, FCC वाली कंडीशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8 मतलब क्यूबिकल कहा SCC में, SCC मतलब एक कोई एक SCC बना रहा होगा अगर इसका रिवर्स चलेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस आएगा, पर इनका केस 8-8 जैसा यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे 4:4 है, यहाँ पे 4:4 है, तो ये इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी पॉसिबल हो सकती है, बहुत ही मजेदार कहानी सॉलिड स्टेट की। डायमंड में जैसे ही आते हैं तो डायमंड इज जस्ट लाइक ZnS वुडजाइट जैसा होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि वुडजाइट में FCC सल्फाइड बनाता है और ZnS उसके अल्टरनेट टेट्रा रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे कार्बन ही सब कुछ करता धरता है, यही बेचारा FCC बनाएगा, FCC तो नहीं कहते हम इसको, कोरस्पॉन्डिंग कहेंगे, यही बेचारा 8 कोने पे होगा, ये बेचारा 6 फेस सेंटर पे होगा, और यही बेचारा ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स पोजिशन पे होगा, यही सारी कहानी थी। फिर क्योंकि एक लैटिस है और लैटिस के 6 पॉइंट हमने निकालने सिखाए थे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, एक मिनट रुकिए बच्चा, एक मिनट रुकना बच्चा, एक मिनट रुको सारे के सारे, तब तक आप आगे का सोचो, आगे क्या कराया था मैंने, हेलो
फटाफट आगे का सोचो, इससे आगे फटाफट 2 मिनट में करा रहा हूँ मैं अगले बार। हाँ भाई, तो दोस्तों यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे कहीं नहीं जा रहा मैं, यहीं पे हूँ भाई, कहीं नहीं जा रहा मैं, वेट करो। डायमंड में हमने कहा था कि 6 पॉइंट होते हैं और 6 पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हो कौन कौन से पॉइंट थे उसमें थे। सबसे पहला हमें पोजीशन बताना होगा, पोजीशन हमने बता दी है। दूसरा पॉइंट था जेड वैल्यू निकालना, इन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करोगे तो जेड वैल्यू बेचारे की 8 आ जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट था एआर का रिलेशन, तो एआर का रिलेशन हमने निकालने के लिए याद करना पड़ेगा, इट्स विल जस्ट बिहेव लाइक ZnS। ZnS का आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल में जेड और ZnN, ZnN और S जो होते हैं वो कॉर्नर वाला और टेट्राहेड्रल वाले यानी टेट्राहेड्रल वॉइड के लोग ही टच करते हैं, आयनिक क्रिस्टल वॉइड में ही टच करते हैं और कहीं टच करते ही नहीं है। तो इस डायगोनल में ये √3/4a का डिस्टेंस है, इस √3/4a पे आपके 2 R बैठे होंगे कार्बन के, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा वो होगा √3 क्या बोल दे रहे, क्या हो गया, √3/4r के बराबर आ जाएगा AR का रिलेशन। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने चलेंगे तो ये धक्का लगेगा, मैं यहाँ पे पता लगेगा 34% ही होता है, फिर इसका रीजन, वो रीजन याद रखना, वो आपका सेकेंडरी नोट्स में अपने काम किया है, वो काम है नो, इससे फिर आपने ये कर लिया। फिर इसके बाद अपने आपने इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाले, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, तो कार्बन है तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, बस इतनी ही बात थी। वो टेट्रा है, हालांकि इसको रिप्रेजेंट नहीं करते टेट्रा में, पर मान लेते हैं टेट्रा ही है। चलिए ये बात थी आपके सारे सारे लेटेस्ट की जो हमने कर ली। फिर भी आने वाले क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस के टाइप है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट किया था, याद कीजिए, ठीक है। वो टाइप 1 टाइप 2 के मैंने सोशियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट करा था ना, वो क्वेश्चंस आपको कॉपी से रिवाइज करने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है भाई। चलिए 2 पेज में हम अपने 14 लेक्चर का मटेरियल, नहीं 13 लेक्चर का, 12 लेक्चर का मटेरियल खत्म कर चुके हैं 2 पेज में। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज की तरफ। तीसरे पेज में अगर हम बात करते हैं तो हमने काम किया था, क्या टाइम हो गया रे, 11:40 हो गए, तो 10 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा सारा का सारा काम। तीसरे पेज में बात स्टार्ट शुरुआत कर रहे हैं, अब आयनिक क्रिस्टल खत्म हो चुके हैं, हमारे पास है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी का भाई सब एक फॉर्मूला काफी है, इसका लंबा छोटा गत्था नहीं गाना। डेंसिटी आपको पता है कि टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम होता है। टोटल मास को अगर हम सेपरेट करके अलग अलग लिखेंगे तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स इनटू में मास ऑफ वन एटम, एक एटम जो प्रेजेंट है या एक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो उसका मॉलिक्यूल का मास। अब मोलर मास यहाँ पे लिखते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल चाहिए, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डायरेक्टली कभी गिवन नहीं होता, मोलर मास गिवन होता है। और मोलर मास को अगर हम एन ए से डिवाइड करते हैं तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बन जाता है, तो ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एम अपॉन में एन ए, मोलर मास अपॉन में एन ए, और ऊपर होता है मास और नीचे होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरे पास है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बन गया ऐसा, ये ग्राम पर एम एल में होता है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है, दोनों में से एक ही बात है। यूनिट का ध्यान रखना, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब होगा इफ क्यूबिक है तो, अगर क्यूबिक नहीं है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपको दे रखा है स्ट्रक्चर उसका आप वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना भाई। और एक, हाँ एक मिनट रुकना भाई अभी, हाँ तो वापस आ गया तुम्हारा अपना प्रदीप सर, ठीक है चलिए। तो हाँ अरे कहाँ भाग जाते तुम लोग, चलिए डेंसिटी का फॉर्मूला था, पर ध्यान रखना यहाँ पे क्योंकि आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो एक ही वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब में पुट करना। आप इसको एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर जब दे रखा हो तो मीटर में कन्वर्ट ना करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ये गलती अक्सर आपसे होती है। दूसरी बात ये डेंसिटी का था, डेंसिटी की इतनी बात आपको जानने से ज्यादा बात जानने की जरूरत नहीं था। फिर आया था मिलर इंडेसिस का कॉन्सेप्ट। मिलर इंडेसिस हमने कहा था कि कुल मिला के 4 बातें याद रखनी है, कि पहली बात आपको प्लेन दे रखा है तो उससे मिलर इंडेसिस कैसे निकालना है, दूसरी बात अगर आपको मिलर इंडेसिस दे रखा है तो उसके बाद प्लेन कैसे निकालना है, रिवर्स क्वेश्चन इन्हीं 2 से आएगा या फिर इसकी प्रॉपर्टी से आएगा, तीसरा आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, चौथा तो आपकी वो कॉमन डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन आप याद कर चुके हो, बट अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करता हूँ, एग्जैक्ट जो उसकी डेफिनेशन थी वो आपको याद करनी थी,
और फिर चौथा पॉइंट था प्रॉपर्टीज, ये बात आपको इसमें मेमोराइज करनी थी, ठीक है। ये मेमोराइज जब करने चलेंगे तो हमने कहा था कि प्लेन जब हम निकालते प्लेन से मिलेंट से जब गिवन होंगे प्लेन से मिलेंट से जब निकालने होंगे सॉरी कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, उससे वेस निकालना पड़ेगा और वेस से मिलर निकालना पड़ेगा इनवर्स करके। मिलर एनालिसिस आपको पता है वेस के इनवर्स ही होते हैं। ये तो हो गया पहले वाले का कॉन्सेप्ट, ये पहले वाले का हो गया, ये इतना सा मैं आपने लिख दिया, पहला पॉइंट आपका ये हो चुका है। प्लेन गिवन हो तो मिलर एनालिसिस कैसे निकालना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम बाद में लिख लेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं स्पेस यूटिलाइज करना सीखिए, स्पेस यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना स्पेस यूटिलाइज करना है। तो दूसरी बात हमारे पास थी यहाँ पे कि आपको मिलर इंडिसेस गिवन हो तो प्लेन कैसे निकालना होगा। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, मिलर जो गिवन होगा पहले उसका इनवर्स कर लेना, वेस निकाल लेना, वेस इंडिसेस कैसे निकालेंगे मिलर का इनवर्स करके। जैसे ही वेस इंडिसेस आ जाए तो हमने कहा था वेस इंडिसेस कुछ नहीं होता, वो इंटरसेप्ट ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों उस बात के ध्यान रखने के साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, चाहे आप बीएससी के हैं चाहे आप एमएससी के हैं, कोई भी बच्चा है आज शाम के सेशन को देखना ना भूले, गेट का सेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट खासकर बीएससी वाले बच्चे तुम्हें तो देखना ही देखना है, क्योंकि पहली बार तुम्हारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि तुम दो साल बाद जो पेपर देते थे अक्सर लोग, वो आप अभी थर्ड ईयर में देना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी आप अपनी जनसंख्या मतलब वो अपनी आपने आपको वो गेट स्पेशल सेशन जरूर देखना बेसर का, और अभी जाके जैसे सेशन खत्म होगा तुरंत जाके उस सेशन को लाइक करके आना है, ताकि उस सेशन को बाकी सारे बच्चे भी देखे। तो मतलब सेशन को हम पूरा का पूरा जबरदस्त करेंगे आराम से बढ़िया। तो आपको क्या करना है, आपको जाके अभी लाइक भी करके आना उस सेशन को, ठीक है। अभी तो मेरे साथ बने रहिए। मिलर इंडिसेस का जब आपको फंडा दे रखा हो तो वेस का निकाल लेना और वेस को प्लॉट कर देना वेस को, क्योंकि वेस इंडिसेस आपका एक तरीके से इंटरसेप्ट भी होता है। एग्जांपल जानने के लिए आप वहां पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको कुछ मेमोराइज नहीं हो रहा तो एग्जांपल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे ज्यादा काम यहाँ पे ना करें, एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपने देख लिया कि मान लीजिए आपको ये प्लेन दे रखा है, एक एग्जांपल से ज्यादा मत लिखना कि इसका निकालना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन निकालना है तो ये वह मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे ए कोऑर्डिनेट है, तो हम कहेंगे ये इंटरसेप्ट क्या होंगे, ए इन्फिनिटी इन्फिनिटी जिसपे टकराते हैं उसको हम ए ले लेंगे, या जो भी डिस्टेंस होगा वो ले लेंगे, जिसपे चलने पर आप पैरेलली चलोगे टकराओगे नहीं उसको इन्फिनिटी, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। वेस निकालने के लिए आपको इसके कोफिशियंट देखने पड़ेंगे, कोफिशियंट हो जाएंगे वन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, और मिलर निकालने के लिए इसका इन्वर्स करना पड़ेगा वन जीरो एंड जीरो। कोमा यूज नहीं करना, डू नॉट कोमा, डू नॉट यूज कोमा, ये आप जानते हैं, पर कहीं कहीं भी कर भी सकते हैं, वो डबल डिजिट में करते हैं हमसे, ठीक है, डबल डिजिट में करते हैं। तो ये आपका नंबर टू हो गया। नंबर थ्री, आप जानते हैं कि मिलर इंडिसेस एक्चुअल में, मिलर इंडिसेस एक्चुअल में यूटिलाइज कीजिए स्पेस को, यही तीन तीन छोटी छोटी बातें होंगी। मिलर इंडिसेस एक्चुअल में कुछ नहीं होता, एक मिलर इंडिसेस जो होता है, कोई भी एक मिलर एच के एल वैल्यू, कोई भी एक एच के एल वैल्यू जो होती है वो एक प्लेन नहीं, एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है। चौथी बात, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आप चिपका देना, जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डू नॉट यूज कोमा हो गया, डू नॉट यूज कोमा हो गया, पर ये कभी कभी काम आती है, ध्यान रखना सिंगल डिजिट में काम आएगी, इस बात का भी लिख लेना, याद रखना मेमोराइज रखना ये बात। दूसरी बात प्रॉपर्टी की फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये अपने एक प्रॉपर्टी लिख ली, कांट बी इन फ्रैक्शन, कांट बी इन फ्रैक्शन, कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ये बात भी आपको ध्यान रहेगी यहाँ से, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होती। और तीसरी बात कि जो ओरिजिन से पास होते हैं उनका कैसे निकालना, वो तो ट्रिक है वो निकालने की, उसके पीछे तीन क्वेश्चन हमने कवर किए थे, दो क्वेश्चन कवर किए थे कि मिलर ही क्यों यूज़ करते हैं, वो एक थ्योरेटिकल रीजन है, उसको मिलर में कन्वर्ट करते वक्त हम इन्वर्स क्यों करते हैं, वो भी एक थ्योरेटिकल रीजन है, ठीक है। एक और हमने पढ़ा था किसी भी प्लेन का अगर तुम नेगेटिव लोगे, किसी भी प्लेन का अगर तुम नेगेटिव लोगे, किसी भी प्लेन का अगर तुम नेगेटिव लोगे पहली बात उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, एच डैश के डैश एल डैश लोगे, तो ये दोनों जो होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं और पैरेलल विल हैव सेम मिलर इंडिसेस होंगे, वो सेम ही होंगे, सेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। वेश सर के सेशन को सबको शेयर करना दबा के, हर एक बच्चा शेयर करेगा मेरे साथ अभी के लिए, पहले तो आप बैठ के यहाँ पे आराम से मुझे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला समझते रहिए, ठीक है। गेट का सेशन सबको देखना है प्लीज, मिलर्स की डिफाइंड वैल्यू, हाँ ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको मिलर्स के वो तीन चार वो बताए थे कॉन्सेप्ट में कि कोमा, ये ओपन ब्रैकेट जो होती है वो एच के एल के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, ये कर्ली ब्रैकेट किसके लिए होती है, ये कर्ली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करती है, हालांकि आपको किसी काम का नहीं है, लिखे ना लिखे आपको डिपेंड करता है, ये एक्स्ट्रा चीज थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलिए मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है इतने से में, जो आपने दो लेक्चर में समझा था। नेक्स्ट आपका आता है ब्रैक्स लॉ, ठीक है, ब्रैक्स लॉ पे हम जब आते हैं, ब्रैक्स लॉ की बात हम करते हैं।
ब्रेक्स लो की बात कर रहे हैं, ब्रेक्स लो में आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा याद रखना है। पर ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव के लिए आपको क्या करना है, फॉर डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे एन लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा 2n plus 1 लैम्डा बाय में 2 इज इक्वल टू 2d sin थीटा। एन की वैल्यू जो है अगर कुछ भी गिवन नहीं होती ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, अगर बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं होती तो 1 लेते हैं, अदरवाइज एन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जानने के लिए मेरी क्लास देखना। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर बोला है फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट होगी 1 होगी, सेकंड ऑर्डर है तो 2 होगी, थर्ड होगा ऑर्डर है तो 3 होगी। जनरली आपको फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, कभी कभी सेकंड ऑर्डर का टॉपिक पड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्यों वो भी हम बाद में जाके पूछेंगे। चलिए ये था आपका ब्रेक्स लॉ। अब इसमें कुछ कुछ यहां से प्रॉपर्टीज जनरेट होकर आती है, वो प्रॉपर्टीज क्या जनरेट होकर आएंगी वो आपको बताता हूं। इसमें एक फॉर्मूला आपका मिस हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अपने फॉर्मूला लिखा रहा था इनसे मिलर डिस्टेंस से कुछ फॉर्मूला निकल के आए थे, एक इंटरप्लेन डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया था। तो एक्चुअल इंटरप्लेन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/d² इज इक्वल टू h² / a² प्लस में k² / b² प्लस में l² / c². ये फॉर्मूला तीन ही सिस्टम के लिए लागू होता है, किस किस के लिए, क्यूबिक के लिए, टेट्रागोनल के लिए ध्यान रखना और ऑर्थोरोम्बिक के लिए, इसके अलावा कहीं भी नहीं लगता है, कोई भी 7 क्रिस्टल सिस्टम में से 3 पे ही लगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा ध्यान रखना। और इसमें से क्यूबिक अगर ये हो जाता है तो इसका एक रूप ये भी देखने को मिलता है क्यूबिक के केस में कि d इज इक्वल टू क्यूबिक में तीनों साइड बराबर होंगी तो a अपॉन में अंडर द रूट इनवर्स करेंगे तो h² k² l² ये आपको फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा इंटरप्लेन डिस्टेंस का। इंटरप्लेनर एंगल का अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे याद कर लीजिए। इंटरप्लेनर एंगल की बात अगर हम कर सकते हैं, इंटरप्लेनर एंगल की बात करें तो पता है थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, छोटा सा फॉर्मूला था h1 h2 प्लस में k1 k2 प्लस में l1 l2 अंडर द रूट h1² प्लस में k1² प्लस में l1² डॉट यानी इनटू में हम बात कर रहे हैं h2² प्लस में k2² प्लस में l2², छोटा सा फॉर्मूला है। जितना चीजों को आप इजीली करने की ये सोचेंगे उतना ही अपने मन में बैठा लेंगे कि बड़ा फॉर्मूला है तो फिर आपको याद ही नहीं होगा भाई, बड़ा बहुत सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है। ये थे फॉर्मूले जो हमने पढ़े, कुछ ब्रेक्स लॉ के फॉर्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है कि कौन से सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो देखिए मेरे दोस्तों टाइम सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं आपका यहाँ पे। हमें पता है कि अगर मान लीजिए SCC है तो SCC में हम कहते हैं ऑल HKL वैल्यूज आर अलाउड, सब अलाउड है, सारे रिफ्लेक्शन अलाउड है। BCC में हम कहते हैं कि H+K+ वही अलाउड होंगी जिनका समेशन इवन आएगा वही अलाउड होंगी। FCC में हम कहते हैं वही अलाउड होगी जिनके लिए HKL की वैल्यू या तो ऑल ओड आ रही हो या फिर ऑल इवन आ रही हो। ये क्या बोला है एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे 0 1 1 0 कुछ भी 1 1 1 सब वैलिड है, सब वैलिड है। इस केस में H+K+ L के केस में अगर मैं 1 1 लेता हूँ तो तीनों का समेशन जो है वो 3 आ रहा है, ओड आ रहा है तो ये वैलिड नहीं है। अगर मैं 1 2 3 लेता हूँ तो यस 3 और 3 6 ये वाला वैलिड है। सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 1 1 है तो ये वैलिड है, ऑल ओड। 2 2 2 है ये भी वैलिड है, ऑल ओड। अगर मैं कहूँ 2 4 6 है ये भी वैलिड है, ये ऑल ओड। अगर 1 2 3 है नहीं, इसमें सारे वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें ना तो सारे इवन है ना सारे इसमें ओड है। तो इस तरीके से आप बता भी सकते हैं कि कौन सा प्लेन किस क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा, ये आप यहां से सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट के नोट्स बनाए हैं का शॉर्ट नोट्स, तो उसमें से गौर से देखिएगा 16-17 लेक्चर का मटेरियल हमने सिर्फ 3 पेज में निपटा दिया है। यही 3 पेज आपको अपने निकाल के रखने पड़ेंगे, प्रिंट आउट निकाल के रखना है, खुद से बना लेना और 3 प्रिंट आउट को बैठा के अपने पास ऐसे चिपका लेना। और जबरदस्त बता देता हूँ, ये तो छोटी सी स्लाइड है भाई, 3 छोटी-छोटी स्लाइड्स हैं। जब आप एक A4 शीट लेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक इट्स एन A4 शीट। अरे भाई कोई खाली पड़ेगा, कोई खाली शीट नहीं है मेरे पास है। सेशन देखते रहना आज का, आपको आज है ना जो आपका सेशन है, कौन सा सेशन है आपका, गेट का सेशन है। उस गेट के सेशन को रात को 8 बजे लाइक भी करना है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और जबरदस्त लोगों तक फैलाना भी है। जैसे A4 शीट है तो इस A4 शीट के एक साइड में ही लिखे, बीच में लाइन मार ले। तो मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो इतना सारा जो मटेरियल मैंने लिखवाया है तो आई थिंक ये 2 पेज का जो है ना ये लिखवाया जो मैंने वो यहाँ पे 1 पेज में आ जाएगा, यानी यहाँ स्लाइड के 2 पेज और यहाँ का 1 पेज बराबर ही होता है। फिर दूसरी तरफ इस पेज के नहीं लिखना है, इसी पेज के दूसरी तरफ नहीं लिखना है, एक ही टाइप ट्राई करना है। क्योंकि अगर मैंने इसके देखो पीछे मैंने कुछ लिख रखा है तो मुझे इसका रिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इसकी दूसरी तरफ अगर
मतलब एक पेज पे एक ही साइड लिखना है, दूसरी साइड नहीं लिखना है, वरना वो जो है ना आप बहुत कंसाइज लिखेंगे तो वो आगे पीछे जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको अच्छे से वो समझ नहीं आएगा। तो बेटर है एक पेज के एक ही साइड लिखिए, ठीक है। फिर दूसरा पेज निकालिए, दूसरे पेज से फिर से लाइन मारिए, यहाँ पे फिर से लाइन मार लिया, और पेज फिर से लाइन मार के जो आपका बचा हुआ काम है वो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। यही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स ही बनने चाहिए, कई फालतू की तुम चीजों को लिखते रहिए, ठीक है भाई। तो इसमें ये था शॉर्ट नोट्स में, ब्रेक स्लो तक का काम हो चुका है, और अब जो बचा है वो सिर्फ आपके डिफेक्ट्स वगैरह बचे हैं, और आपका डिफेक्ट्स के अलावा सेमीकंडक्टर कुछ बातें बची है, वो आप लिखना चाहे तो, क्योंकि वो ज्यादा पूछता नहीं है, डिफेक्ट्स वगैरह जहन में आते नहीं है आपसे, फिर भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। डिफेक्ट्स का पूरा बना लेना, अगर बनाना चाहो तो एक डिफेक्ट का बना लेना, या फिर डिफेक्ट्स का बनाना चाहो तो बना सकती है, डिपेंड करता है आपसे, क्योंकि अभी तो दूसरा पेज जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ लिखना चाहो तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में लिख लेना कुछ, कंडक्टर सेमीकंडक्टर जो भी होते हैं, ठीक है। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, यानी सेमीकंडक्टर लिख के बैंड थ्योरी लिख देता हूं, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स है, एक्स्ट्रा बड़ी स्ट्रक्चर जैसे कि SiO2, TiO2, इन सब की स्ट्रक्चर्स, स्पाइनल्स वगैरह, ये स्पाइनल्स आप ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कर लेते हो, तो उन स्ट्रक्चर्स को भी आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे, हालांकि अब बनवाने का टाइम नहीं है तो आप इसको आप घर पे जाकर आराम से कर लेना कवर अप, ठीक है। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मेन पॉइंट्स है सॉलिड शीट के मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी जिसको मैंने नहीं पढ़ी है उसमें कुछ कुछ कई बार C1, C2, C3 क्यूब की पूछ लेता है, 23 होती है क्यूब में, कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, कितनी क्यूब में POS होती है, क्यूब में कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ये कई बार पूछ लेता है, तो वो आपसे पूछे तो 13 AOS होती है, 9 POS होती है, एक वो होती है 13, 9 और एक कुल मिला के 23 हमारे पास टोटल अवेलेबल होती है, तो वो भी आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं सिमेट्रीज का, ठीक है। हाँ, एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल वो जो है वो तुम्हारी टेबल जो है वो Q टावर मदर वाली वो टेबल आप यहाँ पे लिखना ना भूले, क्योंकि उससे क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, हर एक पेपर में क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, सारे के सारे वो टेबल यहाँ पे मेमोराइज करना ना भूले, उनके साइड और एंगल के रिलेशन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो ये बहुत ही मतलब कुल मिला के दो ही पेज आपके बनेंगे, इस तरह आपका नहीं बनेगा, इतने में ही शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाते हैं भाई, ठीक है। नेसेसरी जो कंसाइज करना मैं करा चुका हूँ, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें आप आराम से अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकता है, जैम का बच्चा जैम के अकॉर्डिंग, नेट का बच्चा नेट के अकॉर्डिंग, जो जरूरत है वो कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक वो, हाँ इसमें एक वो कॉन्सेप्ट मेरा अभी रह गया, वो शायद लैटिस एनर्जी का वाला रह गया। लैटिस एनर्जी में दो टाइप की लैटिस एनर्जी होते हैं, वो आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे लैटिस एनर्जी में, ठीक है। एक होता है आपका बोर्नलैंड इक्वेशन होता है, और एक आपका बोर्न हैबर साइकिल होता है, ठीक है। बोर्न हैबर साइकिल जो होता है वो एक आपका एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये आपका थ्योरेटिकल मेथड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है आपका U इज इक्वल टू 1/4πε0 z1 z2 e स्क्वायर n a a या मेडलिंग कांस्टेंट का m यूज कर सकते हैं अपॉन में r 1/1 n, ये स्पेसिफिक कंडीशन में ही वैलिड होती है, अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग लग सकती है, बट आपके लिए जितने सिस्टम प्रेजेंट है NaCl, क्लोराइड वगैरह सबके लिए, वो सिमेट्रिकल सिस्टम्स है, उस सबके लिए वैलिड होती है। वो नेबर साइकिल तो आप जानते ही हो कि एक इक्वेशन लिख दो, उसको पहले एक मोल प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस कर दो, और फिर वहाँ पे जितने भी आपको उस पर्टिकुलर गिवन रिएक्टेंट को जितना भी गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने में एनर्जी वेस्ट हो रही है, उन सबका समेशन कर वर के वो इक्वेशन क्रिएट करनी होती है, वो आप ऑलरेडी वहाँ पे जानते हो। तो ये सिंपल सी कहानी थी जो आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, एक क्लास और लेके ये पूरा कर जाए, इतना तो खुद कर लो यार, इसमें क्या ही करना है, एक क्लास और में तो क्या ही पूरा करना है, इतना आप खुद कर सकते हो भाई, थोड़ा थोड़ा आप सारा ही मैं कराऊंगा तो फिर फायदा क्या, तुम थोड़ा बहुत तो ट्राई करो ना एटलीस्ट, तीन पेज मैक्सिमम जो पोर्शन तो मैं करा चुका हूँ, अब आप भी कहो भी तो थोड़ा सा नोट्स ट्राई करना चाहिए ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकूँ कि ये चीज़ें इसमें आपको लिखनी है छोटी छोटी सी, नहीं हो तब बता देना, फिर मैं जब सॉलिड शीट खत्म होगा ना तो वहाँ करा दूंगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब क्या करें, सबके सब मेरे सेशन को लाइक करें, वेस्ट सर मेरे छोड़ो, जाके सभी के सब जितने के जितने 65-70 बच्चे बैठे हुए हैं, जाके अभी के अभी वेस्ट सर के सेशन को लाइक करें। गेट वाला जबरदस्त सेशन है, बहुत जबरदस्त सेशन है, ध्यान रखना, इतना जबरदस्त है कि आप समझ में, जब जाओगे देखोगे तब पता लगेगा तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या नई नई बातें आई है, और सारा सेशन उसमें सब कुछ अवेलेबल है। तो जितने भी BSc MSc जितने भी XYZ बच्चे हैं, सबके सब शाम को 8 बजे वेस्ट सर के गेट सेशन में सर जरूर आना है, साथ ही साथ अभी अभी जाके उसको लाइक करके आए। जितने बच्चे हैं सब छोड़ के पहले क्या काम करें, वेस्ट सर के सेशन को जाके लाइक करें, और वेस्ट सर के सारे सेशन को शेयर करें, उनको टैग करके जल्दी फटाफट जाइए, जैसे कि मैं करो, मेरा फोन स्विच ऑफ है वरना कर देता, अभी अभी जस्ट फटाफट जाए, अभी के अभी उसको सेशन को लाइक करके आए, शेयर भी करके आए, जाके जाए, शर्म करिए कुछ, जाके फटाफट जाइए, फटाफट जाओ, फटाफट फटाफट भाई फटाफट जाओ, जल्दी से जाइए,
स्पेस सर के सेशन को लाइक करें और शेयर करें फटाफट, जबरदस्त तरीके से फैला दो, इतना फैला दो कि फैलाने वाले को पता चले कि कैसे फैल रहा है, फटाफट फटाफट। माही आपको क्या बताया, क्या बताया माही ने मुझे, मेरे को बताया कुछ नहीं, क्या कह रहा भाई, जाइए फटाफट टैग कीजिए वेसर को, और वेसर को टैग करके हाँ लाइक करो सेशन को, वेसर को टैग करो उनको, और टैग करके जबरदस्त शेयरिंग कर दो, फैला दो फैला दो फैला दो, आग लगा दो। ओके सर, बाय 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 बच्चों, टेक केयर, बाय बाय टेक केयर, एंड सबके सबको सेशन में अपने अपने पांच पांच दोस्त लेके आने हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं पकड़ पकड़ के लाओ, बोल दो काम में धंधे की बात हो रही है, ठीक है, बाकी सब दिन बकवास करते रहते हो, मतलब आप नहीं वो लोग, उनको बोलो ऐसा, अगर वो काम पढ़ नहीं रहे तो पढ़ लो भाई, ढंग की जिंदगी पढ़ लो, आगे कुछ काम आ जाएगी, घर वालों के काम आएंगे, सबके काम आएंगे, ठीक है, तो उनको पकड़ के लाओ थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके, और शाम को वेस्टर के सेशन में बैठाओ, ठीक है, सबको वेस्टर के सेशन में सबको पांच पांच बच्चे बैठा के लाने, मैं सबको चेक करूंगा, वो कमेंट बॉक्स में बैठ करके सबको बताना कि इस चीज़ को मैं लेके आया हूँ, इस चीज़ को मैं लेके आया हूँ, अगर तुम लेके आए तो उसके लिए मैं कुछ सोच भी सकता हूँ, फिर मैं कुछ स्पेशल चीज़ अनाउंस भी कर सकता हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है आप कितने बच्चों को लेके आएंगे, आज सारे के सारे पाँच पाँच बच्चे अपने पकड़ के लाएंगे, कुछ नहीं है, पाँच ज़्यादा नहीं होते, अपने गर्लफ्रेंड को पकड़ लेना, जो भी पढ़ रहा हो बीएससी पढ़ रहा हो, ठीक है, तो पांच पांच बच्चों को लेके आएंगे, ठीक है, सारे के सारे बच्चे, और कमेंट बॉक्स में जब सेशन स्टार्ट होगा गेट का तो उसमें लिखेंगे कि ये पांच बच्चे मेरे हैं, इन पांच बच्चों को मैं लेके आया हूँ, इन पांच बच्चों को मैं लेके आया हूँ, जैसे आप लेके उसको मेंशन करेंगे तो फिर मैं सोच सकता हूँ कुछ अमेजिंग चीज के लिए, कुछ गिफ्ट विफ्ट के लिए, मे बी टी शर्ट अनाउंस कर दूँ ऐसे बच्चों के लिए मैं, क्योंकि बहुत दिन से तुम टी शर्ट का वेट कर रहे थे, तो टी शर्ट तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगी, डिपेंड करता है, ठीक है, मे बी बैग मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी ऐसा करेगा, जो भी रूल्स को फॉलो करेगा, तो देर में भी सम पर्टिकुलर प्राइस, तो जाइए उस प्राइस को अटेन करिए और जबरदस्त तरीके से मजे करिए, क्योंकि आज का वेस सर का सेशन बड़ा जबरदस्त होने वाला है, साथ ही साथ उसका कमेंट बॉक्स भी जबरदस्त होने वाला है, कमेंट बॉक्स स्पेशल होगा ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि कुछ प्राइजेस भी मैं दे सकता हूँ, देखो तो एक्साइट होके फटाफट अपने पांच पांच दो सबको लेके आना भाई, ठीक है, ओके धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।